हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे झारखंड फैसिलिटी विश्रामपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे टेंट और डीएस रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो आज हम एक बेस का रिव्यू और टेस्टिंग करेंगे। मैं इस कैबिनेट को आपको खोल के दिखाऊंगा कि कौन सा कैबिनेट है, इसमें कौन सा स्पीकर लगा हुआ है और कितने वाट का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से सारा सेटअप धरा का धरा रह गया। इसमें पूरी मकड़ी जाली बना चुकी है, कुछ डस्ट भी आ गया है। तो हम लोगों ने सोचा इसका कुछ सर्विस कर दिया जाए और इसी बहाने आपको इसके बारे में कुछ बताया जाए। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये जो कैबिनेट है ये ए प्लस की तरफ से है, RCF मॉडल में, फ्रंट में। जैसा कि आप अंदर देख पा रहे हैं, इसमें चारों तरफ से अच्छा काम किया गया है, चारों तरफ से अच्छे से सपोर्ट दिया गया ताकि ये हिले नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वायर 1.5 mm का वायर यूज किया है और हम स्पीकर को एलंकी पर टाइट करते हैं ताकि स्पीकर जल्दी ढीला ना हो वाइब्रेशन में। तो आइए चलिए आपको हम अब स्पीकर दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये स्पीकर PRDO की तरफ से है, चैलेंजर सीरीज C18000V2 1500 वाट का है। लेकिन दोस्तों ये AES पावर में आता है, तो AES पावर में इसको अगर नापेंगे तो ये 1200 वाट आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पीकर को कंपनी ने बहुत अच्छी तरह बनाया है। इसमें सब हेवी मटेरियल को यूज़ किया गया है और ये आप टर्मिनल में आप इंडिकेशन देख पाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव का। और इस स्पीकर में आप देख पाएंगे सीरियल नंबर भी है। ये स्पीकर एकदम ओरिजिनल है दोस्तों, इसमें डुप्लीकेट का कोई चांसेस नहीं है। और आप ये देख पा रहे हैं, इस स्पीकर में PRDO इनग्रेव किया गया है, कंपनी ने इसे दिखाया है कि ये ओरिजिनल का सिंबल दिखाता है ये, और ये मेड इन थाईलैंड है। अब चलिए इसका हम लोग सामने से देख लेते हैं। कौन दोस्तों बहुत ही अच्छा है और ये इसका जो डस्ट का इसे टोटली सील्ड किया गया ताकि ये जल्दी उखड़े नहीं। और इसका स्पाइडर जो है सिलिकॉन स्पाइडर है, डुअल स्पाइडर में आता है ये दोस्तों। इसके नीचे भी एक स्पाइडर है जो अभी बिक नहीं रहा है। और इसका स्पाइडर जो है एलंकी पर टाइट किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ताकि स्पाइडर अपनी जगह से हटे नहीं। और इसका जो आपका कनेक्टिंग वायर है जो कॉइल से आता है, इसका वायर बहुत हैवी है और ये आपका 4.5 इंची वॉइस कॉइल में आता है जो कि बहुत अच्छा है। ओवरऑल इसका इसके बारे में जो आपको बताया बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। और मैं इसे लगभग 2.5-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई है और अभी तक वैसा ही परफॉर्मेंस दे रहा है जैसा पहले था। तो इसे मैं फिर से आपको कैबिनेट में कस के इसका मैं आपको टेस्टिंग दिखाऊँगा। तो चलिए एक बार इसका हम लोग टेस्टिंग भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस दोनों बेस का हम लोग टेस्टिंग देख लेते हैं। एक बेस का जाली को हमने खोल के रखा ताकि हम इस स्पीकर के मूवमेंट को आपको दिखा सकें। तो चलिए हम लोग इसका टेस्टिंग भी देख लेते हैं।